नमस्ते जी, मैं वाराणसी से भगवान रविंद्र से मुजीबुर रहमान अंसारी बात कर रहा हूँ सर। क्या सुना है आपको, बता दीजिए। कुर्बान फिल्म का सुना दिए सलमान खान के, तुम जब जब मुझको पुकारे मैं तौलिया हूँ नदिया की। जी।
चलते चलते आपको ये बता दें तैयार करने में तकनीकी सहयोग मिला भावना संदर्भ से और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब मुझे भी यानी अशोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अच्छा उसका हो गया कुछ दीदी बताइए
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृतज्ञ राष्ट्र ने करगिल विजय दिवस पर आज करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 1999 में आज ही के दिन करगिल की पहाड़ियों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन तथा थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, नौसेना ज्योति पर फूलमाला चढ़ाकर करगिल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और संविधान में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के मुख्यालय जगदलपुर के पास डीमरापाल गांव में बलराम कश्यप मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण के बाद राष्ट्रपति ने ये बात कही। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि आम चुनाव के पूरे परिणाम मिलने में देरी होगी। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के सचिव बाबर याकूब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गणना प्रणाली में कुछ तकनीकी खामियों के कारण परिणाम घोषित करने में देरी होगी। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 126 अंक बढ़कर 36,285 पर बंद हुआ।
हम किसी से कम नहीं। आइए इस फिल्म का दो गाना सुनवाएं। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। मजनू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और इसकी तर्ज में नहीं है राहुल दोबरवन ने। सारा रास्ता ना इधर पर चुके जाना पुणे पर एफएम बैंड एक्सपर्ट कश्मीर चैनल ये आकाशवाणी का क्षेत्र केंद्र है। दोस्तों अब से मैं सुना है प्रायोजित कार्यक्रम हेलो हाईवे का जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए। चाहे गुफा है ये लिचड़ लोग ना, मैं ज्यादातर जितने भी तो दिखे ने पास कोई नहीं था, कोई कत आया सरकारी बसा छटी ने। चंडीगढ़ के को
खूबसूरत हाईवे पर। मैं आपको बता दें बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, कई जगह आपको मौसम बहुत सुहावना मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक कैसा है ये बता देते हैं आप। तो पूरा यहाँ पर स्ट्रेच कवर करना है 446 किलोमीटर का दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। यहाँ पर आपको 400 ज्यादा मिलेंगे, 400 ज्यादा मिलेगा सबसे पहले अगर आप दिल्ली से चढ़ते हैं चंडीगढ़ की तरफ। दूसरा नंबर का टोल मिलेगा करनाल में रौंदा, फिर पानीपत और फिर आगे में मूसल से एक टोल मिलेगा चंडीगढ़ पहुंचने से पहले। और अभी तक जो हमें जानकारी मिली है वो बहुत ही खुश करने वाली है, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ही आरामदायक है। इसी तरह के ट्रैफिक कंजेशन पूरे स्ट्रेच पर कहीं पर भी नहीं है, एक्सीडेंट की कोई खबर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और मौसम जैसा कि मैंने बताया सुहावना हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे के बीच में सफर करने के लिए उनके लिए थोड़ी देर बाद धीरे धीरे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक बढ़ने लगेगा, वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। अभी आपको 5 से 7 मिनट का टाइम जरूर लगेगा इन चारों टोल प्लाजा पे। और आपको ये बता दें अगर आपको दिक्कत आती है 1033 का Hello, my name.